अपना गुलाम हैदर, गुलाम हैदर कौन है तुम्हारे सामने बैठा हुआ, जीतता जाता इंसान। मैं जब कह रहा हूँ मेरे साथ ना इंसाफी हुआ तो आप बात आगे तक नहीं रख रहे, वो सिर्फ सीमा जी को ही सुना रहे। मैं सज्जन की पत्नी हूँ, तू सज्जन की पत्नी हो ही नहीं दादा। हाय दोस्त, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना बकचोदी किए हुए खेला बेला। और इस खेला बेला में एक नया ट्विस्ट आया है, तो ट्विस्ट ये है कि पाकिस्तान के गुलाम हैदर जो कि आमने सामने सीमा से एकदम फिरे हुए हैं, और देखिए इस वीडियो में अंत में क्या निकलता है निष्कर्ष। और बहुत ही जबरदस्त होने वाला है ये वीडियो। और ये पाकिस्तानी महिला जिनका नाम है सीमा हैदर, अब वो हो गई है सचिन सीमा, जो कि इंडिया में एक लव प्यार के एकदम जबरदस्त मिसाल कायम कर दी है। वो पाकिस्तान से छोड़कर यानी कि दुबई के रास्ते नेपाल होते हुए इंडिया आई है और सचिन से शादी करके यहाँ इंडिया में रहना चाहती है। तो इनके ऊपर जबरदस्त एक जांच बैठा हुआ है, तो देखिए इस जांच से कैसे बाहर निकलती है, कितना सच है कितना क्या है, और इनके प्यार क्या कितना सच्चाई है आप सबके सामने आने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखें और मजा लीजिए, क्योंकि वीडियो में है बहुत ही रोमांटिक मजेदार वीडियो, क्योंकि एक हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जबरदस्त इसमें दिया गया है लव। तो मजे लीजिए वीडियो के। हेलो हैदर, सुन रहे हैं, उनसे यही कहूंगी जो भी करवा रहे हैं सही नहीं है। सर मैं धमकियां नहीं दिलवा रहा हूँ, ये ऐसे सीमा प्रोपेगंडा चला रहे हैं कि ये मुझे छोड़ दिया जाए, मैं जहर पी के मर जाऊंगा, बच्चों को मारूंगा। धमकियां कौन दे रहा है सर, सीमा दे रहा है या मैं दे रहा हूँ? ये बेबुनियाद नहीं चढ़ाएगा, इसको माले तो नहीं पहनाया जाएगा, कौन सा इसने अच्छा काम किया? उनके लिए भी खतरा है, जो उनके चाचा जो उनके पापा हैं उनके लिए भी बहुत डेंजर है। ये सरदारों तक बात पहुंचवा के धमकियां दिलवा के ये अच्छा नहीं कर रहे। आप सुनाओ, बच्चों को इधर लेके आ रहे हैं, मैं बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर मोदी सरकार को, योगी सरकार को, हमारा आवाज नहीं सुना जा रहा, ये मौकब तक बातें कौन फैला रहे है? ठीक, मैं तो मर ही जाऊंगी, अपने बच्चों को भी जहर पिला के हम सात पांचों मर जाएंगे, पाकिस्तान नहीं जाएंगे। सीमा जी फैला रहे ना, मैं नहीं दिला रहा हूँ, मैं तो अर्ज कर रहा था, रिक्वेस्ट कर रहा था कि मेरे बच्चों को किसी गैर महरम से नहीं रखा। भारत मीडिया या भारत वाले लोग हमको जबरदस्ती हिंदू और मुस्लिम के जंग में फंसाना चाहते हैं, इसका जिम्मेवार कल कौन होगा? क्योंकि वहाँ जाके मरने से, जिल्लत की मौत पाने से अच्छा है मैं यहाँ शांति से मर जाऊँ। हैदर को कोई अपने दिमाग से बात निकाल दे। इसका जिम्मेवार सीमा के जो सज्जन होगा, सीमा का परिवार होगा, या ये खाली कैसे नहीं रहना चाहती मेरे निकाह? ये कौन से किताब में लिखा हुआ है? भारत में जाके ये जो बोल रहा है मुझे साथ इंसाफी होगी, मेरे से मारा जाएगा, मेरे को कत्लेआम किया जाएगा, ये क्रिमिनल है। अभी सीमा के कहने से हम क्रिमिनल हो गए। वहाँ पे फैला रहा है, वहाँ के हिंदुओं की बात कर रहे हैं कि मंदिर गिराएंगे, क्योंकि जेकमाबाद में हिंदू ज्यादा रहते हैं, तो ये सरासर गलत है। बचेत हो गए, सीमा जो कहेगा वो ये है, बाकी हम सब गलत हैं, है ना? कैसे जबरदस्ती बच्चों को हिंदू धर्म में लेके जाए, ये जबरदस्ती है, जबरदस्ती है। ये बच्चों को जो भी करवाए इसको कानून इजाजत दे रहा है, कौन से किताब में है? क्या मतलब ये लोग यही कहना चाहते हैं, क्योंकि मैंने सुबह बिलाई आई थी, क्योंकि वो जो बड़े ऑफिसर सर थे तो वो कह रहे थे ये गैरत की बात है। मतलब इसका मतलब ये है कि जो वहाँ के जो हिंदू हैं क्या पाकिस्तानी नहीं है? आप हमें बताइए कि ये किस तहत रहना चाहता है? मेरे बच्चे अभी नाबालिग हैं, छोटे हैं। सीमा जी का ये ख्वाब है, ये जो है कल से ये खुद चप्पलें और जूते मार के पाकिस्तान के हवाले करेंगे, तब सीमा को ये एहसास होगा कि मैंने क्या किया। जो हिंदुस्तान को डराया जा रहा है इस बात से कि हम यहाँ के हिंदुओं के साथ ऐसा करेंगे, क्या वहाँ के हिंदू पाकिस्तानी नहीं है? ये थोड़ा पागल सा हो गया है, कोई ये पाकिस्तान समझ रहा है, ये भारत है, इंडिया है, ये पाकिस्तान नहीं है ना? अभी जो ये प्रोपेगंडा चला रहे हैं कि ये होगा वो होगा, हम तो रखेंगे नौकरियां दिलवाएंगे, पहले भारत सरकार अपने जो कितने लोग उधर आए हैं भारत में उनको तो नौकरियां दिलवाए, सीमा के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? ये पुलिस के हवाले, पुलिस की कस्टडी में होना चाहिए, ये बाहर क्यों है? ठीक है, जैसे कि सुबह एक तुम सचिन के पीछे पड़े, सीमा हो सकती है, सचिन नहीं हो सकता। जो जुर्म के मैं सचिन की पत्नी, सजा होनी चाहिए ना।
बत्ती है ये तेरे को पता चलेगा, ये तेरे को अच्छी तरीके से पता चलेगा कि तू सजन की पत्ती है। सजन के बाप को भी गंडा कौन चला रहा है, तो पुलिस कस्टडी में रखा जाए या किसी घर में रखा जाए। पहली बात क्रिमिनल है, दूसरी बात हैदर साहब तुम्हारा तुम अपने दिल और दिमाग से बात निकाल। सचिन आई एम वाइफ ऑफ सचिन, मैं सचिन की पत्नी हूँ, तुम्हें इस बात से जलन है, सीधी बात बताओ। मैं आगे तक बात को रख नहीं रहे, मीडिया वालों से मेरी गुजारिश है अगर जो बात आगे तक नहीं रखना चाह रहे वो प्लीज हमारे से कॉन्टेक्ट भी नहीं करे। सत्य मेरे पति है, मेरे एनर्जी पे है, अधरन कार्ड क्या है बोलो भाई। आप सब मजे लिए होंगे ना, क्योंकि सचिन इंडियन और सीमा पाकिस्तानी, और सचिन ने गेम खेलकर पाकिस्तानी सीमा को पटा कर लाया है इंडिया में। तो उसके शुभ अवसर पर आप सब हर एक इंडियन से कहूँगा कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।